रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम सब खैरियत से हैं, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू के कतलों का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बनता है। आप बनाकर खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब मैं ऑयल शामिल कर दूंगी 2 चम्मच, प्याज शामिल कर दूंगी, अब हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें किसी बर्तन में निकाल लूंगी। अब हम प्याज वाले ऑयल में आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को मैंने धो के रखा हुआ था अच्छी तरह। प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे उसमें, फ्राई किए थे उसमें, मैं 2 टमाटर शामिल कर दूंगी। प्याज और टमाटर जो है उनको मैं बारीक कर लूंगी अच्छी तरह। अब हमारे आलू हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं जीरा और खुश्क धनिया शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा 1 चम्मच। अब 1 चम्मच नमक शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह भून लूंगी। जब भी मेरे घर में कोई चीज़ पकाने वाली ना हो सब्ज़ी, तो मैं ये झटपट आलू बना लेती हूँ, बस जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब बच्चे पसंद भी बहुत करते हैं। अब 1 टीस्पून रेड चिल्ली डालूंगी मैं इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी और उसके बाद प्याज और टमाटर की पेस्ट डाल दूंगी इसमें। अब मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी शामिल कर दिया है और पानी थोड़ा सा डाला है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। अब 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। अब मैं 1/2 टीस्पून इसमें मेथी शामिल कर दूंगी। अब हमारा आलू का सालन तैयार हो गया है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। अब हमारे आलू के कतलों का सालन तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।